हेलो दोस्तों, मैं सौरव मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, सीरियसली पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है। और डेली एक मैं रीजनिंग की वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका टाइमिंग है 3 बजे, तो आप ये टाइमिंग नोट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचते हैं। करंट अफेयर का टाइमिंग है 7 बजे और मैथ का टाइमिंग है 9 बजे। तो ये टाइमिंग पे आपको डेली वीडियो मिल रही है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। टाइमिंग बहुत कम बची आपके RPF SI के एग्जाम में, फिर कॉन्स्टेबल की भी डेट आ जाएगी और LPCVT 2 की भी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत करते रहिए, जितना मेरे से हो पाएगा मैं भी पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। और यहां पे बहुत सारे बच्चों के पास जो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, तो नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए आपके ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हैं। तो ये 20 टेस्ट 120 रुपये में है, बहुत ही मतलब सस्ते टेस्ट हैं। तो आप इनको परचेज करके टेस्ट लगा के अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ये टेस्ट लगा के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि 20 एग्जाम में ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये 21वां एग्जाम है। तो ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको अभी से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। RPF कॉन्स्टेबल के लिए भी, SI के लिए देखिए 199 में है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, बट बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, एक बार लगा के देख लीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो अगर आप डिस्काउंट ये कोड नहीं भरेंगे तो यही टेस्ट आपको 149 में मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिस्काउंट कोड भर के आप इनको खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, और इसको ट्राई करिए और जितना हो सके आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको पता चलेगा कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। तो ये सीरीज आपकी 2, 8, 14, 24, 34 और 48 और नेक्स्ट आपको बताना है, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। देखिए कैसे इस सीरीज़ को करना है, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है पहले क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 से 8 गया है, तो यहाँ पे देखिए 2 में प्लस कितना किया जाए कि 8 बन जाए, 6 किया गया। फिर 8 से 14 हुआ है, तो 8 में प्लस 6 किया जाए तो 14 बन गया है। अब यहाँ पे प्लस 6 किया गया, प्लस 6 किया गया, नेक्स्ट प्लस 10 किया गया है, यानी कि 14 में प्लस 10 किया तो 24, यानी कि आपका 4 इंक्रीमेंट चल रहा है। पहले 2 बार तो सेम नंबर ऐड किया जाता है, फिर प्लस 4 करके ये बढ़ाया जा रहा है। फिर आपको 24 में 10 प्लस किया, ठीक है, तो फिर आपका कितना हो जाएगा 34। अब 10 में फिर प्लस करेंगे हम 4, तो कितना हो जाएगा 14, तो 34 में 14 प्लस करेंगे तो 48, और नेक्स्ट फिर 14 प्लस करेंगे 48 में तो 62 आपका हो जाएगा। तो 62 इज़ द राइट आंसर, समझ रहे हैं ना। देखिए थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है सीरीज़ को, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादातर सीरीज़ में क्या होता है कि प्लस 6 चला, फिर आपका 10 प्लस कर दिया, फिर आपका 14 कर दिया, फिर 18 प्लस कर दिया, फिर 22 प्लस कर दिया, फिर 26 प्लस कर दिया, इस तरीके सीरीज़ को बढ़ा देते हैं। या फिर कोई भी डिफरेंस मतलब जो सेम रहता है, या तो प्लस 4 हो सकता है, प्लस 2 हो सकता है, प्लस 3 हो सकता है, प्लस 6 हो सकता है, कुछ भी एक डिफरेंस को सेम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम भी चला है बट 2 में ही चला है, यानी कि प्लस 6 किया जा रहा है, प्लस 6 किया जा रहा है, फिर नेक्स्ट प्लस 10 कर दिया गया है। तो ये सीरीज मैं आपको इसलिए करा रहा हूं अलग अलग टाइप की कि आप एक सोचने लगे उस लेवल तक कि हर एक तरीके जितने भी सीरीज होती है हर एक अलग अलग सीरीज आपको करनी आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसे आप जल्दी से करिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं अब क्या किया करूँगा, ज़्यादातर क्वेश्चन जो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो एक क्वेश्चन कराऊंगा और दूसरा आपको घर के लिए दूंगा करने के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी और आप उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सके। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि इस तरीके से आगे भी कंटिन्यू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा उनके आंसर इसी PDF में दे दूंगा, ठीक है। तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड करके भी आप आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, आप ट्राई कर लीजिए वीडियो को रोक करके, तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे चल रहा है 3 2 जा कितना होता है 6 और प्लस 1, यानी कि 3 की 2 में मल्टीप्लाई गई, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब प्लस कर देंगे, 7 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 14, 14 की 1 में 14 में प्लस 1 करेंगे तो 15, 15 दूनी 30, 15 की 2 में की प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 31, 31 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 दूनी आपका कितना हो जाएगा 62, 62 में प्लस 1 करेंगे तो 63, 63 दूनी कितना होता है आपका 126, 126 में प्लस 1 करेंगे तो 127। तो इस तरीके की ये सीरीज यहाँ पे चल रही थी, तो बहुत अच्छी अच्छी सीरीज है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बिल्कुल ईजी भी नहीं है, क्योंकि कई बार यही सीरीज आप कैच नहीं कर पाते हैं जब एग्जाम में बैठे होते हैं। तो इस तरीके की सीरीज की प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आप कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे बेसिकली क्या चल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का सभी का प्लस चल रहा है, यानी कि आप को अगर ये निकालना है तो बाहर वालों का कॉम्बिनेशन बन के ही ये अंदर वाला बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी छोटे नंबर है, अंदर वाला बड़ा नंबर है, तो ये प्लस करके बन सकता है, मल्टीप्लाई करके बन सकता है आमने सामने, ठीक है, या फिर स्क्वायर क्यूब करके भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, ठीक है, इसका किया 4 हो गया, इसका किया 4 चौक 16, 3 3 9, तो 9 और 4 और 4 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना 20, और ये हो जाएगा आपका 29, और 4 कितना हो जाएगा 33, आपका कितना हो जाएगा 33 हो गया। नेक्स्ट अगर आप इसकी बात करें तो 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 25, तो ये 54 हो जाएगा, करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 36, 6 चंग 36, 5 बजे 25, 4 चौक 16 और 3 3 9, ठीक है, तो इन सभी को प्लस करेंगे तो आपका देख लीजिए 36 प्लस 9 प्लस 25 और प्लस 16, तो आपका 86 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन गया, 86 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था, बाहर वालों का स्क्वायर और उन सभी को प्लस करके अंदर वाला नंबर बन रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये कथन और निष्कर्ष में। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या सरकार को, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या सरकार को, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए, तो आपके ओपिनियन क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया गया है हाँ, पहला जो निष्कर्ष है हाँ में दिया गया आंसर, तो इसका जो लॉजिक है वो देखते हैं। सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यही एक तरीका है, यहाँ पे क्या लिखा है, यही यही एक तरीका है, तो यही एक तरीका थोड़ा ही हो सकता है, बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, तो ये इसकी वजह से गलत हो जाएगा। नहीं में आंसर दिया गया है, नहीं का क्या है, हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ से कहीं तक भी कोई रिलेशन नहीं लगता। ऊपर जो पूछा गया है, क्या सरकार को कृषि आय पर टैक्स लगाना चाहिए, यह आपसे पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि हमारी जो जनता है 80% जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है या नहीं रहती है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये इस तरीके के जो ऑप्शंस होते हैं जो ऊपर आपका कथन में दिए जा गया है उससे कोई रिलेट नहीं करते, तो उनको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए। तो आशा करता हूँ कि आपने इसका भी राइट आंसर कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आप इसमें क्या आंसर देंगे वो यहाँ पे पढ़ेंगे, बट एक बार वो पढ़ते, क्या महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं के निधन पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की जानी चाहिए, आपसे पूछा गया है, तो आप खुद भी सोच के देखिए कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। पहला पढ़िए ऑप्शन, यहाँ पे दिया गया नहीं, ऐसे गैर नियोजक अवकाश राष्ट्रीय प्रगति को बाधित करते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही बोला जा रहा है, ऐसे गैर नियोजक अवकाश जो होंगे वो राष्ट्रीय प्रगति को में बाधित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो पहला मैं राइट लगा सकता हूँ, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे हाँ, लोग दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, देखिए ये यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरीके से छुट्टियाँ स्टार्ट कर दी कि किसी भी राष्ट्रीय नेता का निधन होने पर छुट्टी घोषित कर दी जाए तो पूरे साल छुट्टी ही छुट्टी हो चलती रहेंगी, तो ये आपका दूसरे वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं, और ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और जिनके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपको, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करें, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन बीच में मैंने मिस कर दिया, वो शायद 6 क्वेश्चन था, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे बोला जा रहा है 6 व्यक्ति, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं, बी एफ तथा सी के बीच खड़ा है, जो बी है वो एफ तथा सी के बीच खड़ा है, तो आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे उसमें एफ और बी का कोई भी स्थान फिक्स कर देंगे, ठीक है, यानी कि बी जो है एफ और सी के बीच में खड़ा है, तो एफ को यहाँ पे रख दीजिए और सी को यहाँ पे, या फिर एफ यहाँ पे हो सकता है और सी यहाँ पे हो सकता है, अभी ये डिसाइड नहीं है, ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में डिसाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी के बीच खड़ा है, ए ई और डी के बीच खड़ा है, ए जो है वो ई और डी के बीच खड़ा है, तो आपने क्या करा, ए को बीच में करा, डी को यहाँ रख दिया, ई को यहाँ रख दिया, फिर ये ई डी यहाँ पे हो सकता है और ई यहाँ पे हो सकता है, तो इन दोनों में से भी कोई हो सकता है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ डी के बाई ओर खड़ा है, जो एफ है वो डी के बाई ओर, देखिए अगर मैं डी को यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी का बाई ओर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये डी का बाई ओर हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, तो डी
एफ के बाई ओर खड़ा है, सॉरी यहाँ पे एफ का बोला गया है शायद, आई थिंक डी एफ जो है डी के बाई ओर खड़ा है। हाँ तो एफ यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, तो तब ये वाली इसकी फिक्स हो जाएगी, इसकी फिक्स हो जाएगी, ए बी और ए की फिक्स हो ही रखी है, और ई और सी यहाँ पे हो जाएंगे। तो मतलब जो सिंपल क्वेश्चन था इसको तो आप इजीली कर ही लेते, और ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था तो इसलिए मैंने ले लिया था, ठीक है, मैंने पढ़ के नहीं देखा था कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है ए तथा एफ के बीच कौन खड़ा है, तो ए और एफ के बीच देख लीजिए कौन खड़ा है, तो ए एफ के बीच डी खड़ा है, ए यहाँ पे हो गया, एफ यहाँ पे हो गया, इनके बीच में डी है, तो डी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का पहली तो बात, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बनता भी है तो जैसे ये क्वेश्चन था तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ गया। और अब मैं धीरे धीरे आपको डायरेक्शन वाले, ब्लड रिलेशन वाले और कुछ और क्वेश्चन जैसे क्लॉक वाले, ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, तो सारी वीडियोज़ देखते रहिए। आपका वीडियो का जो रेस्पॉन्स है ना वो ढीला आ रहा है, इसलिए मेरा थोड़ा मन नहीं करता है फिर वीडियोज़ बनाने का, तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ आपको कुछ ना कुछ और अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, ठीक है। तो रेस्पॉन्स दीजिए यार अच्छे तरीके से, जैसे मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, तो आप भी वीडियो को देखते रहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको अगर आप ट्राई करते हो और इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं मानूंगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और आप आरपीए पैसाई और कॉन्स्टेबल की तो बिल्कुल रीजनिंग नहीं छोड़ के आएंगे, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, 4 - 8 - 15 - 32 - 64, नेक्स्ट आपको बताना है। देखिए एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का है, प्लस का है माइनस का है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज है, तो इंक्रीज डिक्रीज में कंडीशन क्या क्या बन सकती है, देखिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे, या तो दो सीरीज अलग अलग चल रही होगी इस तरीके से, या फिर यहाँ पे कुछ नंबर एक बार प्लस किया जाता होगा और कुछ एक बड़ा ही नंबर आपका एक बार माइनस कर दिया जाता होगा, तो इस तरीके से भी सीरीज चल सकती है। आपने यहाँ से करता हूँ कि वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। यहाँ 4 से -8 आया, तो 4 से -8 कैसे बन सकता है भाई, 4 में से अगर मैं 12 - 12 को माइनस कर देता हूँ, मतलब कि इसमें से 4 में से -12 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, फिर -8 में अगर मैं 24 प्लस कर देता हूँ तो प्लस का ये हो जाएगा आपका 16, यानी कि डबल चल रहा है, 12 का 24 कर दिया, एक बार प्लस किया जा रहा है एक बार माइनस, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, और ये अब की बार प्लस हुआ था तो अब की बार 16 में से माइनस कर दिया जाएगा, 48 माइनस करेंगे तो 32 बचेगा, फिर यहाँ पे 48 का डबल 96, और ये अब की बार माइनस हुआ था तो अब की बार प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अब की बार 96 आपका ये प्लस करेंगे तो 64 हो जाएगा, फिर 96 का डबल 192, अब की बार ये प्लस हुआ था 96 तो यहाँ पे अब की बार ये माइनस हो जाएगा 192, तो 64 में से 192 जाएंगे तो माइनस का 128 बचेगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो माइनस का 128 इज़ द राइट आंसर, समझ रहे हैं ना आप, -2 - -12 - 24, यानी कि यहाँ पे एक बार माइनस चल रहा है, मतलब सीरीज तो वही चल रही है डबल वाली, 12 - 48 - 24 - 48 - 96 - 192, इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है, बट एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, फिर नेक्स्ट आपका प्लस हो जाएगा, इसी तरीके से तो माइनस का 128 राइट आंसर बन जाएगा। ऐसा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। या क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, और इसको ट्राई करिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 6 है जिनके ठीक पहले 9 पर ठीक बाद में 3 नहीं है, ध्यान से देखिए, ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 हैं कि ठीक पहले तो उनके 9 होगा, उनसे पहले तो 9 होगा बट ठीक बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो देख लेते हैं। सबसे पहला 6 नहीं होगा, ये तो हटा दीजिए, फिर दूसरे वाला 6 कहाँ पे, ये है पहले 9 है बट बाद में 3 हो गया, बट 3 नहीं होना चाहिए था, ये भी हट जाएगा, फिर आपका ये 6 है, पहले आपका 9 होना चाहिए था बट इस 6 के पहले 9 नहीं है, तो ये भी हट जाएगा, फिर आपका इसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरीके से आप करिएगा, ठीक है। 6 से पहले 3 है बट 6 से पहले 9 होना चाहिए था, ये भी नहीं है, 6 से पहले देखिए यहाँ पे 9 है बट अब बाद में 3 भी नहीं है, तो ये एक बन जाएगा आपका पेयर, यही बोला गया ना यहाँ पे, 6 से पहले 9 होना चाहिए बट बाद में 3 नहीं होना चाहिए, तो देखिए 6 से पहले 9 और बाद में 3 नहीं है तो एक पेयर बन गया, फिर यहाँ पे देखिए 6 से पहले 9 है बट बाद में 3 है तो ये भी नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे देखिए 6 से पहले 9 और बाद में 3 नहीं है तो एक ये बन गया, यानी कि केवल 2 पेयर ऐसे बन पा रहे हैं जिनसे 6 से पहले 9 है बट बाद में 3 नहीं है, तो ऐसे 2 ही पेयर हैं, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए मैंने इसमें लिखा था कि 5 क्वेश्चन है बट 5 इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये आपके 12 क्वेश्चन, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वीडियो चाहे लंबी बन जाती है बट बहुत सारे बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं।
एक वायुयान में 60 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, उनमें से 35 अंग्रेजी बोलते हैं, 20 फ्रेंच बोलते हैं और 10 दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते। उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों बोल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दोबारा से पढ़ता हूँ। 60 व्यक्ति एक वायुयान में यात्रा कर रहे हैं, 35 अंग्रेजी बोल लेते हैं, 20 फ्रेंच बोल लेते हैं और 10 दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए आप कि एक वायुयान में 60 यात्री हैं, उसमें से 35 अंग्रेजी बोलते थे, 35 अंग्रेजी बोल लेते हैं, 20 फ्रांस बोल लेते हैं, ठीक है, और 10 दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल पाते। तो यहाँ पे 10 उनमें से कोई भाषा नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो वह संख्या बताइए जो अंग्रेजी फ्रेंच दोनों बोल पाते हैं। देखिए अगर 35 यहाँ पे बोल पाते हैं अंग्रेजी, ठीक है, 35, उसमें से आपके यहाँ पे जो 20 फ्रेंच बोल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कट आया है इसमें से आपका, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, 30 इसमें से अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रांस बोलते हैं आपके यहाँ पे ये पूरे 20, और ये 10 जो कि है कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब कोई सी भाषा नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये कट आया है इसमें आपका, देखिए 5 ये जो आया है ये ऐसे हैं कि जो दोनों भाषाएं बोल लेते हैं, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 5 इज़ द राइट आंसर। और देखिए दोस्तों ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए दे रहा हूँ, एक तो ये वाला है आपका, ठीक है, और एक ये वाला है, दो क्वेश्चन है, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। सॉरी वो आंसर थे बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, 1 और 2 क्वेश्चन है जो HW आपका होमवर्क है, तो इनको करिएगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे तो देख के कर लेंगे बट देख, चल ठीक है, आपको आंसर भी पता चल गया ना, तो आप इनको ट्राई करिए अभी इन क्वेश्चन को, और फिर आंसर भी को आपको पता चलेगा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, आंसर भी आपको पता चल जाएंगे। तो ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर दो, अगर नहीं करा है तो कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने टेस्ट अभी तक परचेज नहीं किया है तो टेस्ट परचेज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोड को बिल्कुल भरना मत भूलिएगा, कोड भरेंगे तो आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज यही टेस्ट आपको 149 रुपीज़ में मिलेंगे। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं टॉपिक स्टडी टेलीग्राम पर और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।